गए थे और 20,000 में ये पूरा सौदा तय किया गया। सरपंच जो है वो रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो देलवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। सरपंच दिनेश पर ये कार्रवाई की गई है। पालीवाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से करप्शन जो है वो छोटी से छोटी इकाई में अपनी जड़ें जमा चुका है। जिस तरह से यहां पर ये खबर सामने आई है, कोई आपसी विवाद था और उस विवाद को सुलझाने के लिए ही 40,000 रुपए यहां पर मांग लिए गए और उसके बाद सौदा वहां पर किया गया और वो 20,000 रुपए में तय हुआ। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन जोशी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नवीन, सबको उम्मीदें होती है सरपंच से तो विकास होगा गांव का, ये किस तरह का विकास कर रहे हैं? ये जो मामला है सीधा सीधा लुटन, ये 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का मामला है और एसीबी को काफी समय से इस मामले की शिकायत मिली थी और आज एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं राजेश, तो उनके नेतृत्व में ये छापा मारा गया। नगर पालिका जो नाथद्वारा है उसमें, और नाथद्वारा में नगर पालिका में जब अचानक एसीबी की टीम पहुंची तो अटकम मच गया। अधिकारी इधर उधर होने लगे। वहां पर खास तौर से जो तकनीकी शाखा है जिसके पास इस ट्रांजेक्शन को लेकर पूरा काम था, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का ये घोटाला बताया जा रहा है। जो तत्कालीन आयुक्त है तनुजा सोलंकी, जिसके सही तक आईएम और जो आदमी और है इनसे भी तो मोटा मोटा पूछताछ होना बाकी है। न्यूटन उसके बाद में क्लियर हो पाएगा कि ये किसका का और बढ़ भी सकता है इसमें। नवीन, आप जिस तरह से बता रहे इतना बड़ा घोटाला, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का घोटाला है, तो अकेले तो कोई कर नहीं सकता और जांच हो रही है और कोई लोग उसमें सामने आ रहे हैं अब तक? नूतन अभी तक जो सीधा सीधा इस पूरे मामले में आ रहा है, जो आयुक्त है पूर्व के जो इस नगर पालिका के आयुक्त थे तनुजा सोलंकी, उनके साथ साथ में आईएमओ जो तकनीकी शाखा है नगर पालिका की नाथद्वारा की, वो पूरी इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में है। उनका जो पूरा कामकाज है वो काफी समय से बराबर उससे उंगलियां उठती आई है। जो नगर पालिका जो पार्षद मुट्ठी पर पार्षद है विपक्ष के, वो समय समय पर पालिका की बैठक में इस सब्जेक्ट को उठाते रहे हैं। अब देखना यह है कि जो एसीबी की जो टीम है वो किस हद तक इस जो भ्रष्ट लोग हैं उन तक पहुंच पाती है, किस हद तक उनके ऊपर शिकंजा कस पाती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन ये पूरी जानकारी के लिए।